रेक्टिलिनियर मोशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है u से, और कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी हो जा रहा है v, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है v, तो इसका वेलोसिटी जो चेंज हुआ v माइनस u, मान लीजिए टाइम लगा है t, तो एक सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज हुआ उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, और इसका फॉर्मूला बना सकते हैं a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। दो बेसिक एग्जाम्पल है हमारे पास, u इक्वल टू अगर है 20 मीटर पर सेकेंड, v है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम लगा चेंज होने में 5 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, दैट इज 40 माइनस 20 बाई 5। 40 माइनस 20, 20 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें, u दिया हुआ है 15 के mph, v दिया है 51 के mph, टाइम दिया है 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन क्या होगा? इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात है, यूनिट u और v का यूनिट है kmph, किलोमीटर पर आवर, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। दोनों ही अलग अलग पैरामीटर हैं, तो हमें किसी पैरामीटर को चेंज करके सेम पैरामीटर में लाना होगा, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, kmph को चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में। 1 kmph इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड, हम जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, दैट इज 1 आवर इक्वल टू 60 into 60 सेकेंड, दैट इज 3600 सेकेंड। तो 1 kmph हो गया 1 kmph 1000 बाय 3600 मीटर पर सेकेंड। अगर इसे सिंप्लीफाइड करें तो आंसर आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमें पता है यहां u दिया है 15 kmph, v है 51 kmph, टाइम है 2 सेकेंड, तो हम चाहे तो इस सवाल को u को पहले चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में, v को चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में, और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करें, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, चेंज करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें और सॉल्व करें। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, पहले इन्हें 51 माइनस 15 kmph बाय 2 सेकेंड, 51 माइनस 15 36 kmph बाय 2 सेकेंड। पहले हम क्या किए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए, 51 माइनस 15 दैट इज 36, और अब इसे चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, 36 इंटू 5/18 बाय 2, तो ये काफी सिंपल हो गया, 18 टू जा 36 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन में kmph को पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, या फाइनली सब्ट्रैक्ट करने के बाद चेंज कर रहे हैं, तो दोनों में हमारा स्टेप टाइमिंग चेंज होता है, हमारा टाइम बचता है, तो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम बचाना काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो हम इस पे ऐसे ध्यान देंगे। डिफिनेशन में हमारा क्लियर है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे वो भी एक क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये समझ में आ गया, वेलोसिटी क्या आएगा, एक वेक्टर, एक्सीलरेशन
या तो कॉन्स्टेंट हो सकता है या तो वेरिएबल। जब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी हो रहा हो चेंज, जब इक्वल टाइम में चेंज इन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो या इक्वल हो तो हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन, और जब इक्वल टाइम में चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग वैल्यू आ रही हो तो हम बोलेंगे वेरिएबल एक्सिलरेशन। एग्जाम्पल से देखते हैं, हमें ये इस ग्राफ में दिया गया है t इक्वल टू जीरो, वन टू थ्री फोर। t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, 1 पे 5 मीटर पर सेकेंड, 2 पे 10, 3 पे 15 और 4 पे 20। यहां देखिए 0 टू 1 कितना चेंज हुआ, 5। 1 टू 2 कितना चेंज हुआ, 10 माइनस 5 दैट इज 5। 2 टू 3 कितना चेंज हुआ, 15 माइनस 10 दैट इज 5। 3 टू 4 20 माइनस 15 दैट इज 5। ओवरऑल कंप्लीट जर्नी में हर सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसे कहेंगे कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें ड्रॉ किया गया है, t इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 टाइम पे वेलोसिटी है 0, 10, 15, 30, 40 मीटर पर सेकेंड। पहले टाइम की अगर बात करें 0 टू 1 सेकेंड में चेंज कितना हुआ, 0 टू 10 दैट इज 10। और अगर 1 टू 2 की बात करें तो चेंज हो रहा 15 माइनस 10 दैट इज 5। पहला और दूसरा सेम है क्या, यहां चेंज क्या हुआ 10, यहां चेंज हुआ 5, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल एक्सिलरेशन। वेरिएबल एक्सिलरेशन और कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन में अलग अलग प्रॉपर्टीज लगते हैं, और कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन के लिए हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के कुछ इक्वेशन है जो लगेंगे सिर्फ कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन के लिए। पहला वी इक्वल टू U प्लस ए टी, दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों भी हम प्रूव करते हैं कॉन्स्टेंट और वेरिएबल केस में। अब हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को प्रूव करते हैं एक एग्जांपल पे। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन। पूरे जर्नी में क्या है, एक्सिलरेशन कॉन्स्टेंट है। ए पे स्पीड है यू मीटर पर सेकेंड, बी पे स्पीड है वी मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड यू मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड वी मीटर पर सेकेंड, और कंप्लीट जर्नी के लिए जो टाइम लगा है वो है टी सेकेंड, और ओवरऑल जर्नी के लिए एक्सिलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट। हमें काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन प्रूव करने हैं, वी इक्वल टू U प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। सबसे पहले हम इक्वेशन वन के लिए बात करते हैं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए। जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सिलेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम देखेंगे वी माइनस यू इक्वल टू ए टी। अगर ये उस साइड जाता है यू तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। काफी सिंपल प्रूफ था, समझ में आया होगा सबको। और इसके आगे अगर हम बात करें एस के लिए, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर इस जर्नी की बात करें, इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड क्या है, वी मीटर पर सेकेंड। कंप्लीट जर्नी में सेम स्पीड है क्या, नहीं, कंप्लीट जर्नी में सेम स्पीड नहीं है, तो हमें एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज को अगर हम समझते हैं सिंपल से वर्ड में, अगर मान लो किसी पेपर में आपका फिजिक्स में मार्क्स आता है 100 में 80, और मैथ्स में आता है 100 में 100, तो आपका परसेंटेज क्या है, 80 या 100? आपका एवरेज मार्क्स क्या है, 80 या 100? आप कैसे निकालोगे, हम क्या करते हैं, 80 प्लस 100 हमारा टोटल मार्क्स क्या आया, 100 प्लस 80 दैट इज 180, और दो सब्जेक्ट थे तो डिवाइडेड बाय 2, 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90। हम ये निकाले थे एवरेज हमारे मार्क्स का,
सेम टू सेम यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था u मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इनटू टी, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इनटू टी। और अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला v का, v इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at इंटू टी डिवाइडेड बाय 2, u प्लस u 2u प्लस at इंटू टी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2ut प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2ut को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा वैल्यू आएगा ut, और at स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारे दो इक्वेशन प्रूफ हो गए। हमारा थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, अब ये सोचना है हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें क्या पता है v इक्वल टू u प्लस at और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन के यूज से हम थर्ड इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। v इक्वल टू u प्लस at है तो हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस at का होल स्क्वायर, और जैसा कि हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे a की जगह है u का टर्म और b की जगह है at, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो u स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट टर्म हमें प्रूफ करना है 2as, तो यहां हम 2a कॉमन लेंगे, इसमें देखिए 2 है और a है, अगर हम ले लें 2a कॉमन तो क्या बचा ut। नेक्स्ट टर्म में 2a है क्या, नहीं, यहां पे सिर्फ है ए स्क्वायर, तो अगर हम 2a कॉमन लेते हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हाफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये देखिए यहां 2a और ये 2a, 2a कॉमन ले लिए, u स्क्वायर 2a ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर प्लस 2a, और ये देखो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर क्या था, s, हम निकाले थे इक्वेशन 2 से, तो इसको रख सकते हैं s, देयरफॉर हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमारे तीनों काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ऐसे प्रूफ हो सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसे ग्राफ से भी प्रूफ कर सकते हैं, वो काफी सिंपल है। कोई ऑब्जेक्ट किसी लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, t इक्वल टू जीरो पे एट o स्टार्टिंग पॉइंट पे है, t इक्वल टू वन पे एट a, a पॉइंट पे आ गया जिसका डिस्टेंस है सेंटर से ओरिजिन से 20 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, t इक्वल टू टू पे एट b पॉइंट आ गया जिसका डिस्टेंस है 50 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, और t इक्वल टू थ्री पे एट c पे आ गया जिसका डिस्टेंस है ओरिजिन से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 मीटर। इस केस में अगर हम देखें पहले एक सेकेंड में t इक्वल टू जीरो टू वन वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 0 to 20, इस 0 to 1
दैट इज 20 माइनस जीरो दैट इज 20 मीटर इज 1 to 2 वन सेकेंड के बाद और टू सेकेंड से पहले 1 to 2 कितना ट्रेवल किया 50 माइनस 20 दैट इज 30 मीटर और इस 2 to 3 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 90 माइनस 50 40 मीटर। इस केस में अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। अगर हम आपसे पूछे डिस्टेंस इज एट टी इक्वल टू वन सेकेंड, टी इक्वल टू वन सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप आसानी से बता सकते हो ये डिस्टेंस दैट इज 20 मीटर। अगर आपसे पूछे इस टी इक्वल टू टू में ओ टू बी दैट इज 50 मीटर, इस टी इक्वल टू थ्री में ओ टू सी दैट इज 90 मीटर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछते हैं सिर्फ सेकेंड सेकेंड में एनएथ सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड में सेकेंड सेकेंड में थर्ड सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बता सकते हो क्या? हमें क्या करना पड़ेगा एस जीरो टू वन निकालने के लिए, एस वन माइनस एस जीरो, एस वन टू टू निकालने के लिए एस टू माइनस एस वन, एस टू टू थ्री निकालने के लिए एस थ्री माइनस एस टू। तो यहां अगर हम देखते हैं तो एक फॉर्मूला हम एस एनिथ इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एनिथ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया अगर हमें निकालना हो तो हम पहले क्या निकालेंगे टोटल एन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसमें से माइनस कर देंगे एस एन माइनस वन। चलिए हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे अगर हम एन की जगह टाइम की जगह एन रखें तो क्या आएगा एस इक्वल टू यू एन हाफ ए एन स्क्वायर एस एन और एस एन माइनस वन क्या आएगा यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। अगर यू के दोनों टर्म को एक साथ रखें यू एन माइनस यू एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन, ये क्या हुआ यह माइनस साइन है, ये अंदर आया माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब ए बाई टू को अगर कॉमन ले लें क्या बचा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचा यू प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। इसको अगर सिंप्लीफाइड करें यू प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर कट गया माइनस माइनस प्लस टू एन माइनस प्लस माइनस, तो हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया एस एनेथ, एस एनेथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। इसको काइनेमेटिक्स का हम फोर्थ इक्वेशन मान सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये काफी काम आएगा। रेक्टिलिनियर मोशन में अगर हम देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई ऑब्जेक्ट जब लीनियर मोशन कर रही है रेक्टिलिनियर मोशन ग्रेविटी के कारण उस पर कैसा इफेक्ट आएगा, तो हम देखते हैं इसमें दो तीन केस हो सकते हैं। केस वन, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू। अगर किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं स्पीड यू से तो उसका मोशन कैसा होगा,
केस टू हो सकता है ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड और केस थ्री फ्री फॉल। इन तीनों केस के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला केस हम देखते हैं ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू। अगर हम बात कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन की, ग्रेविटी किधर काम करेगी? जैसा हम जानते हैं ग्रेविटी अर्थ का एक प्रॉपर्टी है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है, तो यह हमेशा डाउनवर्ड ही काम करेगी। ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी क्या है? अपवर्ड जाना, और ग्रेविटी क्या काम कर रही है? डाउनवर्ड। तो यहां हम सिंपल सा बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी। माइनस जी बोलने का मतलब है ये इनिशियल स्पीड को अपोज करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी। तो हमारा इक्वेशन आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए के जगह पे रखेंगे माइनस जी, v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी इंटू टी, दैट इज v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v इक्वल टू यू माइनस जी टी। सिमिलरली अगर ये किसी हाइट t टाइम पे कितने हाइट तक जाएगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे हम a की जगह पे रखेंगे अगर माइनस जी, तो आ जाएगा एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। रेक्टिलिनियर मोशन में जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट को कई बार हम हाइट से भी डिनोट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसको h, h इक्वल टू s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन जो हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारा आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs और u स्क्वायर माइनस 2gh। इक्वेशन थ्री, इक्वेशन टू और ये हमारा इक्वेशन वन। अगर हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, तो हमारा इक्वेशन आएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। इन सारे चीज के साथ अगर हम देखना चाहें कि यह ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर बाद पहुंचेगा, टाइम क्या होगा, टी इक्वल टू वाट टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकता हूं, ये ऑब्जेक्ट मैं अगर अपवर्ड फेंकता हूं तो ये कब तक ऊपर जाएगी? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकने से अगर आप देखोगे तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और उसके बाद फिर से नीचे आती है। ये मैक्सिमम हाइट क्या होता है, कब तक ऊपर जाती है? अगर सोचोगे ये ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर जाएगी जब तक इसका फाइनल स्पीड जीरो ना हो जाए, यानी एट हाइएस्ट पॉइंट, एट हाइएस्ट पॉइंट v इक्वल टू जीरो। एट हाइएस्ट पॉइंट क्या हो गया, v इक्वल टू जीरो, और हम जानते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी, दैट इज जीरो। देयरफोर u इक्वल टू जी टी, देयरफोर t इक्वल टू यू बाई जी। इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करें तो किसी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में। तो ये टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टू टी ए, दैट इज टू यू बाई जी।
ये ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर तक रहेगा, वो टाइम होगा 2u/g। अगर इसी में हम देखें ये हाइट, ये हाइट क्या अचीव करेगा, ये मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करेगा? तो जैसा हम जानते हैं s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो h हमें निकालना है, h इक्वल टू वाट, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। तो हम यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh और जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इस 2gh को इधर लाओ, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, देयर फोर एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट जो अचीव करेगा वो यू पे और ग्रेविटी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम केस टू डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड विद स्पीड यू। किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाईएस्ट पॉइंट से हम नीचे की ओर फेंकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है, नीचे की ओर फेंकते हैं स्पीड यू से, तो क्या होगा? इस केस में इक्वेशन काफी सिंपल है, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट किधर जा रही, नीचे, और ग्रेविटी किधर काम कर रही, नीचे। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू प्लस जी, यानी ग्रेविटी स्पीड को इंक्रीज करेगी। तो हमारा इक्वेशन आएगा वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। इस केस में इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया है, बस a के जगह पे हम g पुट कर दिए हैं। और इसी के साथ केस थ्री भी अगर हम डिस्कस करें, केस थ्री जो है फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल, इसका मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा रहे हैं, यानी इनिशियल स्पीड क्या हो गया, यू, जीरो, और एक्सीलरेशन क्या हो गया, डाउनवर्ड, दैट इज प्लस जी। अब हमारा इक्वेशन क्या आएगा, v इक्वल टू जीरो प्लस जी टी, एस इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस 2gs। ये पॉइंट जीरो, इसको इग्नोर कर सकते हैं, v इक्वल टू जी टी, ये जीरो टू को इग्नोर कर सकते हैं, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 2gs।